होली का जो संदेश है वो खासकर गर्भ संस्कार के वैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ पर प्रह्लाद की ये कहानी इस बात पर प्रकाश डाल के हमें विश्वास दिलाती है कि गर्भ संस्कार के माध्यम से शिशु को गर्भ में ही संस्कारित करके जैसे गुणों वाला शिशु चाहे वैसा हम पा सकते हैं। हिरण्यकशिपु राक्षस कुल का था और उसके जो संतान स्वरूप जन्म प्रह्लाद ने लिया वो विष्णु भक्त जन्मा, जिसे बचाने के लिए स्वयं भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है। सोचिए जरा कि गर्भ में सुसंस्कार देने का प्रभाव कितना प्रबल है। तो चलो आज सभी गर्भवती माता को सुनाते हैं भक्त प्रह्लाद की कहानी, जिसे होली की कहानी के रूप में सुनेंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। होली की कहानी का संबंध श्री हरि विष्णु जी से है। नारद पुराण के अनुसार आदि काल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हुआ था। दैत्यराज खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। वह चाहता था कि लोग केवल उसकी ही पूजा करें। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रह्लाद परम विष्णु भक्त था। भक्ति उसे उसकी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी कि उसका स्वयं का पुत्र विष्णु भक्त कैसे हो गया और वह कैसे उसे भक्ति मार्ग से हटाए। होली की कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, परंतु अथक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। कई बार समझाने के बाद भी जब प्रह्लाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी वह प्रह्लाद को जान से मारने में नाकाम रहा। बार बार की गई कोशिशों से नाकाम होकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे भगवान शंकर से ऐसा चादर मिला था जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तय हुआ कि प्रह्लाद को होलिका के साथ बिठाकर अग्नि में स्वाहा कर दिया जाएगा। होलिका अपनी चादर को ओढ़कर प्रह्लाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन विष्णु जी के चमत्कार से वह चादर उड़कर प्रह्लाद पर आ गई, जिससे प्रह्लाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इसके बाद से होली की संध्या को अग्नि जलाकर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। ये थी भक्त प्रह्लाद की कहानी, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं जन्म लेते हैं और अपने भक्त को उतार देते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।